respected parents and my dear students. Due to the increasing coronavirus effect, Unique School is starting online classes, so stay at home and use it. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning students, welcome to Unique School online classes. Students, जो हमारा कल का जो टॉपिक था वो था आवेशों का क्वांटीकरण. हमने पढ़ा था कि आवेशों के क्वांटीकरण से Q इज इक्वल्स टू एनी, ये हमने देखा था कल के हमारे टॉपिक से, और आज हम इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे. तो हमने देखा आवेशों के क्वांटीकरण के सिद्धांत से Q इज इक्वल्स टू होता है एनी, यानी किसी भी वस्तु पर कुल आवेश होगा वो इकाई आवेश का एन गुना होगा, Q इक्वल्स टू एनी. ओके, तो उसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से धनावेशित करने में उसे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने होंगे. तो हमें दे रखा है क्यू का मान एक कूलाम, हमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है 1.6×10⁻¹ कूलाम, तो क्यू इक्वल्स टू एन ई, एन इक्वल्स टू आ गया क्यू अपॉन ई. अब हमारे पास बच्चों क्यू की वैल्यू है 1 कूलाम, ई की वैल्यू सबको गिविन होती है 1.6×10⁻¹ कूलाम. हमने Q की वैल्यू रख दी 1 कूलाम, E की वैल्यू रख दी, ये आ गया हमारे पास, और सोल्व किया तो उत्तर आ गया 6.25×10⁻¹ इलेक्ट्रॉन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक नंबर के लिए. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलाम का नियम. कूलाम ने बताया कि दो आवेश, मान लिया एक Q1 है ये Q2 है, नहीं पता सजातीय हैं कि विजातीय हैं, एक ही प्रकार के हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, दो आवेश परस्पर r दूरी पर रखे हैं, तो दोनों आवेश या तो आपस में आकर्षित करेंगे, विजातीय होंगे तो आकर्षित करेंगे, और सजातीय होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे. तो ये हमारे दो आवेश हैं Q1 और Q2, r दूरी पर रखे, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है, स्थिर वैद्युत बल बोलेंगे, आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती. समीकरण एक बना ली, एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2. अब जो स्थिर वैद्युत बल होगा वो दोनों आवेशों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है. तो समीकरण नंबर 2 आ गई, एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/RS के. समीकरण 1 और 2 को मर्ज कर लिया तो हमारे पास आ गया एफ समानुपाती Q1 Q2 / RS². अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमने एक नियतांक लगा लिया के. के जो है एक समानुपाती नियतांक है. के का जो मान होता है वो होता है 1/4πε₀. ये जो शब्द है ये एब्साइलन नोट होती है निर्वात की विद्युतशीलता, यानी इन दोनों आवेशों के मध्य निर्वात है, वायु या कोई माध्यम उपस्थित नहीं है. निर्वात है, वायु हो सकती है, निर्वात हो सकता है, माध्यम नहीं है दोनों आवेशों के मध्य. और अब हमने के का मान रख दिया 1/4πε₀, तो एफ के की जगह आ गया 1/4πε₀ Q1 Q2 / RS². ये है अपना. अपन जो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो हम देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप.